हेलो क्लास 11, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आप लोग के सिलेबस के जो है दासी चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देन आफ्टर आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पे इसका एमसीक्यू भी मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग के रिविजन क्लासेस, लाइव क्लासेस सब कुछ हो रही है, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और कॉमर्स के भी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही है। इसलिए फटाफट से आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग का जो है दासी चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का है, उनके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा कवि परिचय जान लेंगे, उसके बाद दासी चैप्टर के बारे में जानेंगे। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि थोड़े से शॉर्ट में कि दासी चैप्टर आखिर है क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छे से रीड भी करेंगे दासी चैप्टर को। दासी चैप्टर को मैं सारांश रूप में आप लोगों को बता दे रही हूँ कि है दासी चैप्टर, जो प्राचीन भारत में हम लोग जानते हैं कि दास प्रथा हमेशा से चलती आ रही है, ठीक है। उस दास प्रथा में क्या होता था, महिलाओं के साथ शोषण होता था, उनसे घृणित कार्य कराए जाते थे, ठीक है। फिर भी क्या था, उस समय की दासियों जो एकनिष्ठ थी, ठीक है, वो अपने क्या है, वो इतने अत्याचार सहने के बाद भी वो एकदम देश प्रेम, एकनिष्ठ भाव, ठीक है, और पवित्र प्रेम की भावना को रखती, ठीक है। तो यह सब दासी की जो समय की स्थिति थी और उनकी भावनाएं थी उस समय का। इस दासी चैप्टर और एक है और फिरोजा, ठीक है। तो ये दोनों जो इनकी मुख्य पात्र है, इरावती और फिरोजा, ठीक है। ये दोनों जो है विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती हैं, ठीक है। ये बहुत एकनिष्ठ है, ठीक है, अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन कर, ठीक है। तो इरावती जो है वो मुल्तान की लूट में क्या है, बंदी बना ली जाती है, ठीक है, और कन्नौज के चौराहे पर उन्हें एक महाजन के द्वारा बेच दिया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि उनसे क्या बोलते हैं, बिक्री के दौरान उनसे उचित तरह अनुचित शर्तें उनके जो है जो उन्हें खरीदते हैं, जो उनके मूलते हैं, ठीक है, तो उनसे शर्तें रखी जाती है। इसलिए क्या है, इरावती अपने आप को क्या मानती है, अपने आप को बहुत ज्यादा निम्न मानती है, अपने आप को अवप्रवित मानती है। तो दूसरी तरफ जो फिरोजा है वो भी राजा तिलक द्वारा खरीद ली है, मोल ली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिरोजा जो है वो अहमद नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती है। तो फिर क्या होता है, अहमद जो है वो राजा तिलक कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें फिरोजा दे दूंगी, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 1,000 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे, तो मैं फिरोजा को आजाद कर लूंगी। लेकिन अंत में क्या होता है, अहमद जो है उसे फिरोजा के लिए छुड़ाने के लिए सिक्के नहीं ला पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि फिरोजा उससे नफरत करने लगती है कि मुझे नहीं छुड़ा पाया, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिरोजा जो है वो एक क्या है, आत्मसम्मानी है, ठीक है। वो अपने आप में ही एक एकनिष्ठ भाव रखती है, अपने आप को क्या है, वो कभी भी किसी परिस्थिति में अपने आप को क्या, अपने आप को ढालती नहीं है, वो उससे उच्च भरकर उससे लड़ती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अहमद उन्हें नहीं ले पाता है, लेकिन अंत में जो है राजा तिलक उसे आजाद कर देते हैं, ठीक है। अब कहानी में एक और पात्र है, बलराज, ठीक है। बलराज जो है वो एक जाट, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो महमूद की ओर से लड़ता है, ठीक है, लेकिन युद्ध में वो क्या होता है, हार जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं फिरोजा जो है एक आशावादी स्त्री है, ठीक है। तो वो उसे समझाती है कि युद्ध में मरना वीरता है, लेकिन आत्महत्या करना क्या है, मूर्खता है, ठीक है। तो फिर उसे वो समझाती है, तो वो आत्महत्या नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो हम युद्ध में हार जाता है तो उसे निकाल लिया जाता है युद्ध से, तो वो आत्महत्या की सोचता है, इसलिए फिरोजा उसे समझाती है। अब क्या है, बरलाज तो ईरावती से प्रेम हो जाता है। अब वो अपना प्रस्ताव ईरावती के समक्ष रखता है, ईरावती उसे स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि वो अपने आप को निम्न मानती है, अपने आप को अपवित्र मानती है। अब क्या होता है कि वो अपवित्र मानती है, उसके स्वीकार कर लेती है। इसी पर जो है बलराज कहता है कि मनुष्य कोई बोलने की चीज वस्तु नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, अब जो फिरोजा है वो अहमद से प्रेम करती थी जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेकिन अहमद क्या करता है, उसकी बुरी नजर क्या है, उसकी गंदी नजर रहती है ईरावती के ऊपर, और फिरोजा यहाँ भी उसे समझाती है कि तुम उस पे गरीब गंदी नजर मत लगो और उसकी आत्मसम्मान की रक्षा करती हो, किसकी, ईरावती की, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, अहमद नहीं मानता है और फिरोजा उसे समझाती है कि इससे अगर तुम ईरावती पे गंदी नजर रखोगी तो जाट और मुसलमानों में जो है युद्ध होगा,
लेकिन फिर क्या होता है कि वो नहीं मानता और युद्ध करने लगता है, जिसमें क्या होता है, युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, तो अंत में क्या होता है कि इरावती और बलराज जो है मिल जाते हैं, उनका प्रेम हो जाता है। ठीक है, और उनका प्रेम जो है मिलन हो जाता है, लेकिन फिरोजा और अहमद का प्रेम मिलन नहीं हो पाता है क्योंकि वो युद्ध में मारा जाता है। फिर भी फिरोजा क्या है, उसकी समाधि, वो जहां मरा था उसकी समाधि वहां बन जाती है। वो डेली वहां पर झाड़ू लगाती है, उसको पुष्प चढ़ाती है, ठीक है, हमेशा उसके लिए ही। ठीक है, वो अपने प्रेम को कभी लाती नहीं। ठीक है, तो यही है, और उस पूरे जीवन क्या है, फिरोजा उसकी दासी के रूप में, उसकी समाधि पर दासी रूप में बन गए। तो यही दासी चैप्टर का जो है मूल सारांश है। ठीक है, अब मैं आप लोग को चैप्टर के जरिए भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लेते हैं। ठीक है, छायावादी के आधार पर स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को काशी में हुआ था। ठीक है, ये किस काल के कवि रहे हैं, तो ये छायावाद। ठीक है, चारों स्तंभ में से है महादेवी वर्मा, निराला जी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये सब कौन है, छायावाद के चार स्तंभ है। ठीक है, इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। इनकी कविताएं, नाटक, उपन्यास और कहानी इन सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध रही। घर से ही प्रसाद जी ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के विद्वानों से साहित्य से साथ साथ काव्य रचना की प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त की है। जयशंकर प्रसाद जी ने मात्र 9 वर्ष की बाल्यावस्था से ही साहित्य, काव्य, नाटक आदि के लेखन की शुरुआत की थी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करिएगा। सज्जन, कल्याणी, परिणय, विशाखा, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, पश्यत, प्राश्चित, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूट, ध्रुव स्वामी। स्कंदगुप्त इनका बहुत अच्छा नाटक है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करुणा, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, चित्रधारा, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी और प्रसाद सखी। ये जो तीन है, आंसू, लहर और कामायनी, इनके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद और भी है, कंकाल, इरावती, तितली, प्रतिध्वनि, आंधी और इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप। उसके बाद निबंध है, काव्य और कला। ठीक है, प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया था। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्ध हस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियों ऐसी है जिनसे आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति और आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया। चलिए, अब जैसे कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन तो कर ही दी हूँ सारांश रूप में, अब मैं एक बार रीड करके भी आपको दासी चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह खेल किसको दिखा रहे हो बलराज, कहते हुए फिरेजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। युवक की मुट्ठी में एक भयानक छुरा चमक रहा था। उसने झुलझा झुलझुलाकर फिरोजा की तरफ देखा, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा युवती से अधिक बालिका था। अलहड़पन, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदय से स्नेह के समीप थी। नीली नसों से जड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई उन कोमल उंगलियों की बीच शिथिल हुई। उसने कहा, फिरोजा, तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। ठीक है, सुख जीने में है बलराज, ऐसी हरी भरी दुनिया, फूल बेलों से सजे हुए नदियों के सुंदर किनारे, सुनहला सवेरा, चांदी की रात, इन सबों से मुंह मोड़ कर आंखें बंद कर लेना। कभी नहीं, सबसे बढ़कर तो हम इनमें हम लोग की उछल कूद का तमाशा है। मैं तुम्हें मरने ना दूं, क्यों, यूं ही बेकार मर जाना, वाह, ऐसा नहीं हो सकता है, जीहून के किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी, तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इन गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में भोग कर मर जाना बचपना भी तो नहीं है। बरलाज ने देखा सुल्तान मसूद के शिल्प कला से प्रेम की गंभीर प्रतिमा गजनी नदी के पर एक
कमानी वाला फूल अपनी उदास छाया जलधारा पर डाल। उसने कहा, वही तो ना जाने क्यों मैं उसी नदी नहीं मारा जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपट कर इसी गजनी की गोद में सोने चले गए। फिरोजा, उन वीर आत्माओं का वह सोचनीय अंत तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती। सुल्तान ने सुलजुकू से हारते हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरों से अलग कर दिया, पर तुर्कों से तो मरने की बात ही नहीं सोची। कुछ भी तो तुर्क सुल्तान के अपने लोग में है और हिंदू बेगाने ही है। फिरोजा, यह अपमान मरने से बढ़कर है, और आज किस लिए मरने जा रहे हो यह सुनकर क्या करोगे? कहकर बलराज छुरा फेंक कर एक लंबी सांस लेकर चुप हो गया। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, सुनोगी क्यों नहीं, अपना हाँ उसी के लिए कौन है? कैसी है बरलाज? पूरी सी है मेरी ही तरह, वह भी दुबली पतली है ना, कानों में कुछ पहनती है और गले में कुछ नहीं। फिरोजा, मेरी ही तरह, वह भी कंगाल। मैंने उससे कहा कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी सोना चांदी की ढेरे मिलेगी, अब अमीर हो जाऊंगा तब आकर तुमसे ब्याह करूंगा। तब भी मन्ना मनने जा रहे हो? खाली हाथ ही लौटकर उससे भेंट करने ही उसे एक बार देख लेना कि तुम्हारी इच्छा ना, तुम बड़े पाजी हो, जाओ मरो या जियो मैं तुमसे ना बोलूंगी। सचमुच फिरोजा ने मुंह फेर लिया, वह जैसे रूठ गई। बरलाज को उसके भोले पर हंसी आ, वह सोचने लगा फिरोजा के हृदय में इतना स्नेह इतना उदास। उसने पूछा, फिरोजा तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी हुई गुलामी भुगत रही हो, क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया? किस बात का उल्लास है तुम्हें? मैं अब गुलामी में नहीं रह सकता। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तभी उसने राजा साहब से कहा कि मैं 1000 सोने के सिक्के भेजूंगा। भाई तिलक, तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना और वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वह थैली आती ही होगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात है? मर जाने की इतनी जल्दी क्यों? तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में एक नई लहर आई है, दुनिया ने इसके लिए जैसे छाती खोल दी है, जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। फिर रोना किस बात का है? जितनी देर हंस सकती हो उस समय को रोने में क्यों बताओ? तुम्हारा सुखमय जीवन और भी लंबा हो फिरोजा, किंतु आज तुमने जो कुछ मरने से रोक दिया है यह अच्छा नहीं किया। कहता तो हूं बेकार ना मरो, क्या तुमने मरने के लिए कोई कुछ भी नहीं? फिरोजा, हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई है, सामाजिक जीवन दंभ से और राजनीतिक क्षेत्र कला और स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। शक्तियां है पर उनका कोई केंद्र नहीं है, किस पर अभिमान हो इसके लिए प्राण दूत चले जाओ। हिंदुस्तान में मरने के लिए कुछ नहीं, कुछ मिल ही जाएगा, जाओ ना, कहीं वह तुम्हारी मिल जाए तो किसी झोपड़ी में ही काट लेना, ना सही अमीरी किसी तरह तो कटेगी, जितने दिन जीने के हैं हो पर उन पर भरोसा रखना। बल्ला, ना जाने क्यों मैं तुम्हारे मरने देने नहीं चाहती, वह तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जी रही है, तब आ कभी उसे देख पाती तो उसका मुंह ही चूम लेती, कितना प्यार होगा उसे छोटे से हृदय से। लो ये 5 दिरहम मुझे कल राजा साहब ने इनाम में दे दिए, इन्हें लेते जाओ, देखो उससे जाकर भेंट करना। फिरोजा की आंसू में आंसू भरे थे, तब भी वह जैसे हंस रही। सहसा वो 5 धातु के टुकड़े को बरलाम के हाथ पर रखकर झाड़ियों में घुस गए। बरला चुपचाप अपने हाथों पर के उन चमकीले टुकड़ों को देख रहा था, हाथ कुछ झुक रहा था, धीरे धीरे टुकड़े उसके हाथ से खिसक पड़े, वह बैठ गया। सामने एक पुरुष खड़ा मुस्कुरा रहा, बरलाज, राजा साहब, जैसे आंख खोलते हुए बरलाज ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं सब सुन रहा था, तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं भी तुमको यही सलाह दूंगा, किंतु एक बात। वह क्या है राजा साहब?
मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ। जो बातें तुमने अपनी अभी फिरोजा से कही उन्हें सुनकर मेरा हृदय विचलित हो उठा है, किंतु क्या करूं, आकांक्षा का नशा पी लिया है, वही मुझे विवश किए है। जिस दुख से मनुष्य छाती फाड़ कर चिल्लाने लगता हो, सिर पीटने लगता हो, वही वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं केवल सिर नीचा कर चुप रहना छत। क्या ही अच्छा होता कि तुम जिस मुख सुख में आनंद तिरे से मनुष्य उन्मत्त हो जाता, उसे भी मुस्कुरा कर टाल दिया उठकर। सो नहीं होता, एक साधारण स्थिति से मैं सुल्तान के सलाहकारों के पद तक तो पहुंच ही गया। मैं भी हिंदुस्तान का ही एक कंगाल था। प्रतिदिन की मर्यादा, बुद्धि वृद्धि, राजकीय विश्वास और उसमें सुख की अनुभूति ने मेरे जीवन को पहली बार कर जन्म दो। मैंने सुल्तान के दरबार से जितना सीखा है वही मेरे लिए बहुत है। एक बनावटी गंभीरता, छल पूर्ण विनय, ओह कितना भीषण है वह विचार। मैं धीरे धीरे इतना बन गया हूँ कि मेरी सहृदयता घूंघट पलटने की नहीं पाती। लोगों को मेरी छाती में हृदय के होने का संदेह हो जाता है, फिर भी मैं तुमसे अपनी सहृदयता क्यों प्रकट करूं। मैं भी आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा का बांध तोड़ दिया है और मैं बस राजा साहब और कुछ ना कहिए। मैं जाता हूं, मैं समझ गया हूं कि ठहरो, मुझे अधिक अवकाश नहीं। कल यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियाली के पास लाहौर जाने वाले हैं, उन्हीं के साथ तुम चले जाओ। यह लो, कहते हुए सुल्तान के विश्वासी राजा तिलक ने बलराम के हाथों में थैली रख दी। बलराम वहां से चुपचाप चल पड़ा। तिलक सुल्तान महमूद का अंतिम विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था। अपने बुद्धि बल से कट्टर यवनों के बीच अपनी प्रतिष्ठा ढेर रखने के कारण सुल्तान मसूद के शासन काल में भी वह उपेक्षा का पात्र नहीं था। फिर भी वह अपने को हिंदू ही समझता था, चाहे अन्य लोग उसे जो भी समझते रहे हो। बल्लाज की बातें वह सुन चुका था। आज उसकी मनोवृत्ति में भयानक हलचल थी। सहसा उसने पुकारा, फिरोजा। झाड़ियों से निकल फिरोजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। तिलक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कोमल स्वर में फिर फिरोजा, तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो। फिरोजा के हृदय में कंपन होने लगे, वह कुछ ना बोली। तिलक ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो, क्या अहमद ने आपके पास दिनारे भेज दी है? कहकर फिरोजा ने अपनी उत्कंठा भरी आंखों से उठाई। तिलक ने हंसकर कहा, सो तो उसने नहीं भेजी, तब भी तुम जाना चाहती हो तो उसे कहो। मैं क्या कह सकती हूँ, जैसी मेरी। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। तिलक ने कहा, फिरोजा तुम जा सकती हो, कुछ सोने के टुकड़े के लिए मैं तुम्हारे हृदय को नहीं कुचलना चाहता। सच आश्चर्य भरी कृतज्ञता उसकी वाणी में। अब जैसे कि मैं आप लोग को सारस जब बता रही थी उसी में बताई थी कि वो जो अहमद है वो सिक्के नहीं चुका पाता है, फिर भी तिलक क्या है, फिरोजा को आजाद कर देता है। ठीक है, तो उसी का वर्णन हम लोग यहाँ अभी पढ़े हैं। सच फिरोजा अहमद मेरा मित्र है और भी एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। उसे जाकर समझाओ कि वो अपनी सेना लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूट मार ना करो। मैं कुछ ही दिनों में सुल्तान से कहकर खजाने और मालगुजारी का अधिकार भी उसे ही दिला दूंगा। थोड़ा समझकर धीरे धीरे काम करने से सब कुछ हो जाएगा, समझी ना। दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है कि अहमद की नीयत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेजे। फिरोजा मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहती, मेरी एक छोटी बहन थी वो वहां है, क्या दुख उसने पाया, मरी या जीती है। इन कई वर्षों से मैंने इन जानने की चेष्टा ही नहीं की और भी मैं हिंदू हूँ। फिरोजा आज तक अपनी आकांक्षा में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त, अपनी उन्नति में विस्मित, गजनी में बैठा हुआ हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। सुल्तान महमूद के लूटों की भी गिनती करना, उस रक्त रंजित धन की तलिका बनाना हिंदुस्तान के ही शोषण के लिए सुल्तान को नई नई करतीबों, नई नई तरकीबों बताना, यही तो मेरा काम है, जिसे आज मेरी अपनी प्रतिष्ठा है। दूर रहकर भी वह कुछ
कर सकता है, पर हिंदुस्तान कहीं मुझे जाना पड़ा तो उसकी गोद में फिर रहना पड़ा तो मैं क्या करूंगा फिरोजा, मैं वहां जाकर पागल हो जाऊंगा। चिरनिर्वासित विस्मृत अपराधी इरावती मेरी बहन है, आह मैं उसे क्या मुख दिखलाऊंगा। वह अब इतने कष्टों में जीती होगी और मर गई होगी तो फिरोजा, अहमद का कहना है मेरी मित्रता के नाते मुझे इन दुखों से बचा ले। मैं जाऊंगी और इरावती को खोज निकालूंगी। राजा साहब, अपने हृदय में अपनी टीस है। आज तक मैं जानती हूँ कि मुझे यही मालूम था कि अपने अनेक अन्य तुर्को सरदारों के समान आप रंगरलियों में समय बिता रहे हैं, किंतु बर्फ से ढकी हुई चोटियों के नीचे भी ज्वालामुखी होती है। तो जाओ फिरोजा, मुझे बचाने के लिए उस भयानक आग से जिससे मेरा हृदय जल उठता है, मेरी रक्षा करो। कहते हुए राजा तिलक उसी जगह बैठ गए। फिरोजा खड़ी थी, धीरे धीरे राजा के मुख पर एक स्निग्धता आ चली। अब अंधकार हो गया चला। गजनी के लहरों पर जो से शीतल पवन उन झाड़ियों में भरने लग, सामने ही राजा साहब का महल था। उसका शुभ्र गुंबद उस अंधकार में अपनी उज्जवलता से सिर ऊंचा किए थे। तिलक ने वहां फिरोजा जाने के पहले वहां अपना वह गाना सुनाती जाओ। फिरोजा गाना गाने लगी। उसके गीत की ध्वनि भी मैं जलती हुई दीप सिखा हूँ और मैं तुम हृदय रंजन प्रभात हो, जब तब देखती नहीं जलती करती हूँ, और जब तुम्हें देखती लेती हूँ तो तभी मेरा अस्तित्व का अंत हो जाता है। मेरे प्रियतम, संध्या की अंधेरी झाड़ियों की गीत की गुंजार घूमने लगी। ठीक है, यदि एक बार उसे फिर देख पाता, पर यह होने का नहीं है। निष्ठुर नियति उसकी पवित्रता पंकिल हो गई, उसकी उज्जवलता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी। तब उसने भेंट करके क्या करूंगी अपने कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडर देखकर, कहते कहते बरलाज ने अपने बलिष्ठ पंजों को पत्थर से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीन पर दे मारा। वह शब्द एक क्षण में विलीन हो गया। युवक ने आरक्त आंखों से उस विशाल मंदिर को देखा और वह पागल सा उठ खड़ा हुआ, परिक्रमा के ऊंचे ऊंचे खंभों से धक्के खाता हुआ घूमने लगा। गर्भगृह से द्वारपालों पर उसकी दृष्टि पड़ी। वे तेल से चुपड़े हुए काले काले दूत अपने भीषण त्रिशूल से जैसे युवक की ओर संकेत कर रहे थे। वह ठिठक गया। सामने देवगृह के समीप धृत का अखंड दीप जल रहा, केसर कस्तूरी और अगड़ू से मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध की झाड़ों झकोर रह रहकर भीतर से आ रही थी। विद्रोही हृदय प्रणत होने नहीं चाहता था, परंतु सिर सम्मान से झुक ही गया था। देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है, मैं किसके लिए क्षमा मांगू। गजनी के सुल्तान की नौकरी वह मेरे वश की नहीं है, किंतु मैं मांगता हूँ एक बार उस अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन, कृपा कर मुझे बचा लो। प्रार्थना करके युवक ने सिर उठाया ही था कि उसे किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह। वह घूम कर देखने लगा। एक स्त्री कौशेय वासन पहने हाथ में फूल से सजी डाली लिए चली जा रही है। युवक पीछे पीछे चला। परिक्रमा में साथ एक साथ पर पहुंचे, पर उसने सानिध्य स्वर में पुकारा, इरावती। वह स्त्री घूम कर खड़ी हो गई। बल्लाज अपने हाथ पसार कर उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ा। इरावती ने कहा, ठहरो बल्लाज, ठिठक कर उसकी गंभीर मुखाकृति को देखने लगा। उसने पूछा, क्यों इरा, क्या तुम मेरी वगदता पत्नी हो? क्या हम लोगों का बहनी वेदों के सामने परिणय नहीं होने वाला था? हाँ, होने वाला था, किंतु हुआ नहीं, और बरलास तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। मैं अतातेई के साथ से कलकिंत की गई, फिर तुम मुझे अपनी पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करोगे? तुम वीर हो, पुरुष हो, तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें खोज दो, मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। मेरा जीवन अनुताप की ज्वाला से झुलसा हुआ मेरा मन अब स्नेह के योग्य नहीं। यानी जैसा कि मैं बताई थी आप लोगों को
सारांश में भी कि ईरावती जो है बरलाज उसको प्रेम प्रस्ताव देता है तो वो इनकार कर देती है क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए नहीं हूं क्योंकि मैं अपवित्र हो चुकी हूं। ठीक है, प्रेम की पवित्रता की परिभाषा अलग है ईरा, मैं तुम्हारे प्यार करता हूं, तुम्हारी पवित्रता से मेरे मन का अधिक संबंध नहीं हो सकता है। चलो हम और कुछ भी हो, मेरे प्रेम की वहनी तुम्हारी पवित्रता को अधिक उज्ज्वल कर दे। और वो कहता है कि मेरे प्रेम जो है ना, तुम मेरे प्रेम के कारण क्या होगी, तुम्हारी जो पवित्रता है उसको उज्ज्वल कर दूंगी। ठीक है, भाग चलू क्यों, सो नहीं हो सकता, मैं गृह दासी हूं, मजलेशो ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया, मैं उनकी कठोरता में जीवित रहकर बराबर उनका विरोध नहीं करती, नित्य कोड़े लगते बांध कर मैं लटकाई जाती, फिर भी मैं अपने हट से नहीं डिगूंगी। इन दिनों कन्नौज के चटुपद पर घोड़े के हाथ ही बेचने के लिए उन अतिथियों ने मुझे भी खड़ा किया, मैं बिकी 500 दिरम पर, काशी के एक ही महाजन ने मुझे दासी बना लिया। बरलाज तुमने ना सुना होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ, मैंने लिख कर स्वीकार किया है कि इस घर का कुत्सित से कुत्सित कर्म करूंगी और कभी विरोध नहीं करूंगी, ना कभी भागने की चेष्टा करूंगी, ना किसी के कहने से अपनी स्वामी का आहित सुनूंगी। यदि मैं आत्महत्या भी कर डालूं तो मेरे स्वामी या उनके कुटुंब पर कोई दोष ना लगा सकूं, वे गंगा स्नान किए इससे पवित्र है, मेरे संबंध में वे सदा ही शुद्ध और निष्पाप है, मेरे शरीर पर उनका आजीवन अधिकार रहेगा, वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहे राजपात पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं, तो मुझे दंड दे सकते हैं, मैं तो मर चुकी हूँ, मेरा शरीर 500 दिरम पर जीकर जब तक रहेगा थटेगा, वे चाहे तो मुझे कौड़ी के मोल भी किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं, समझे सिर पर तीर रखकर मैंने स्वयं अपने को बेचने की स्वीकृति दी है, उस सत्य को कैसे तोड़ सकूं। बल्लाज ने लाल होकर कहा, ईरावती यह सत्य है, सत्य यह असत्य है, सत्य नहीं, पशु के समान मनुष्य भी भीग सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मैं यह सोच भी नहीं सकती है कि यह पाखंड तुर्की घोड़ों के व्यापारियों ने फैलाया है, तुमने अनजान में जो प्रतिज्ञा कर ली है वो ऐसा सत्य नहीं कि पालना किया जाएगा, तुम नहीं जानती हो कि तुमने खोजने के लिए ही मैंने यौवनों की सेवा की है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितने ही बरलाल जो है उनको ईरावती को फोर्स करा, लेकिन ईरावती क्या है, अपने दासी कर्म से वो क्या है आगे नहीं बढ़ रही है, वो उसके प्रेम को नहीं अपना रही क्योंकि उसका दासी का क्या क्या कर्म है, वो क्या क्या स्वीकृति दी है उसे, तो उसे वो मानना है। इसलिए मूलतः जो दासी चैप्टर है इसमें दासी के मूल भाव को भी स्पष्ट किया गया है। ठीक है, क्षमा करो बरलाज, मैं तुम्हारा तर्क नहीं समझ सकती, मैं तुम्हारे स्वाभिमानी का रथ दूर चला गया होगा तो मुझे बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि आजकल मेरे स्वामी नगर से दूर स्वास्थ्य के लिए उपवन में रहते हैं, स्वामिनी देश दर्शन के लिए आई थी तब मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ हुआ। फिरोजा ने व्यर्थ ही का आशा दी थी कि मैं इतने दिनों भटकता फिरा और ये ईरावती मुझ पर दया करो। फिरोजा कौन, क्योंकि अब यहाँ पर जो है फिरोजा ही जो है बर्राज को समझाई रहती है कि तुम उसे प्रेम का प्रस्ताव देना वो मान जाएगी, तो ईरावती अब पूछती है फिरोजा कौन है, फिर सहसा रुककर ईरावती ने कहा, क्या करूँ, यदि मैं वैसा करती तो मुझे जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती, किंतु वह मेरा भाग्य में नहीं है, इसे भगवान की जानते होंगे, मुझे अब जाने। बर्राज इस उत्तर से छिन्न और चकराया हुआ काट के किवाड़ की तरह ईरावती के सामने से अलग होकर मंदिर के प्राचीर से लग गया। ईरावती चल गई। बरलाज कुछ समय तक स्तब्ध और शून्य सा वहीं खड़ा है। फिर सहसा जिस ओर ईरावती गई थी उसी ओर चल पड़ा। युवक बरलाज कई दिनों तक पागलोप सा धंधत के उपवन में नगर तक चक्कर लगाता रहा।
भूख प्यास भूलकर वह इरावती को एक बार फिर देखने के लिए विकल था, किंतु वह सफल ना हो सका। आज अपने निश्चय किया कि वह काशी छोड़कर चला जाएगा। वह जीवन से हताशा होकर काशी से प्रस्थान जाने वाले पथ पर चलने लगा। उसके पहाड़ से धोखे की काया, जिसने असुर सा बल होने का अनुमान करते निर्जीव सी रो रही थी। अनाहार से उसका मुख विवीर्ण था। वह सोच रहा था कि उस दिन विश्वनाथ के मंदिर में जाकर मैंने आत्महत्या क्यों न कर लूं। वह अपने अधेड़ गुण में चल रहा ना जाने कब तक चलता रहा। वह चौंक उठा जब किसी ने डांटने का शब्द सुनाई दे पड़ा। देख कर नहीं चलता, पर लाश ने चौंक कर देखा। अब सूर्य की लंबी पंखुड़ी, जिसमें अधिकतर अपने घोड़े को पकड़े हुए थे, वो पैदल ही चल रहे थे। ये सब तुर्क थे, घोड़ों के व्यापारी ने जान पड़ते थे। गजनी के प्रसिद्ध महमूद के आक्रमणों का अंत हो चुका था, महसूद सिंहासन पर था। पंजाब तो गजनी के सेनापति नियालगिन के शासन में था। मध्य प्रदेश में भी तुर्क व्यापारी अधिकतर व्यापारी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। वह राह छोड़कर हट गया और अवरोही से पूछा, बनारस कितनी दूर है? बरलाश ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तुम उधर से चले आ रहे हो तो कहते हो कि नहीं मालूम? ठीक ठीक बताओ, नहीं तो क्या तुम्हारे नौकर हो? कहकर वो आगे बढ़ गए। अकस्मात पहले अश्वारोही ने कहा, पकड़ लो इसको। कौन? नियातगानी? सहसा बरलास चिल्ला उठा, अच्छा यह तुम ही हो बरलाज? यह तुम्हारा क्या हाल है? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते? नहीं सुल्तान महसूद का मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसे काम नहीं करता जिसमें संदेह मेरी परीक्षा लेते रहे। किंतु इधर तुम लोग सुन रहा है, बनारस एक सुंदर और धनी नगर है। और क्या? कुछ नहीं, देखने चला आया। काजी नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरब की भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हारी तलवार की कीमत जानता हूँ। बहादुर लोग इस तरह नहीं रह जाते। तुम अभी तक हिंदू बने हो, पुरानी लकीर पीटने वाले, जगह जगह झुकने वाले, सबसे दबते हुए बनते हुए कतरा कर चलने वाले हिंदू, क्यों ना तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया। उसका पुरानेपन का लोभ तुमको फेंकने नहीं देता। मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास नहीं आने पाता। इतने दिन हम लोग साथ रहे, फिर भी बरलास सोच रहा था। इरावती का वह सुखा व्यवहार, सीधा सीधा उत्तर, क्रोध से अपना होठ चबाने लगा। नियातगानी बरलास को परख रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ हो? बात क्या है? ऐसा बुझा मान लो। क्यों? बरलास ने प्राकृति स्थित होकर कहा, कहीं तो नहीं? अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। तुम्हारा बनारस देखने का मन है, इस पर तो मुझे विश्वास नहीं होता है। तू भी मुझे इससे क्या, तो चाहो करो। संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। लूटो काटो मार जाओ। नियालगिन ने हंसकर कहा, पागल तो नहीं हो? इन थोड़े से आदमियों से भला क्या हो सकता है? मैं तो एक बहाने से इधर आया हूँ, फिरोजा का, बनारसी जरी के कपड़े का। क्या फिरोजा भी तुम्हारे साथ? चलो पड़ाव पर सब आपको आप ही मालूम हो जाएगा, कहकर नियलगिरी ने संकेत किया। बलराज ने मन में ना जाने कैसी प्रसन्नता उमड़ी। वह ऐसे तुर्की घोड़े पर सवार हो गया। दोनों पर जवाहरत, जड़ी कपड़ों, बर्तन तथा सुगंधित द्रव्यों की सजी हुई दुकानों से देश विदेश के व्यापारियों की भीड़ और बीच बीच में एक घोड़े के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई कुछ चौड़ी गलियों अपने ढंग की निराली दिखती है। प्राचीनों से घिरे हुए नगर का प्रधान भाग त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक विस्तृत है। तोरणों पर गंगे की देव के सैनिकों का जमाव था। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट ने काशी छीन ली, त्रिपुरी उस पर शासन करते थे। ध्यान से देखने पर भी वह प्रकट हो जाता था कि नागरिकों के अव्यवस्था था। फिर भी ऊपरी काम काज, क्रय विक्रय, यात्रियों का आवागमन चल रहा था। फिरोजा कमबख्त देख रही थी कि नियल
गिल मणि मुक्ताओं की ढेर से अपनी अपने अपने अच्छे नग चुन रहे थे। पास ही की दोनों दुकानों भी बल्लाज बीच में ही खड़ा था। अन्य मनुष्य फिरोजा ने नई ठान छाड़ दी। उसने कहा, बल्लाज देखे देखो तो तुम कैसे समझते हो, है ना अच्छे? उधर से नियलत गिल ने पूछा, कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ, इन्हें भी देख लो। फिरोजा उधर जाने लगी कि दुकानदार ने कहा, लेना ना देना, झूठ मूठ डंग करना, कभी देखा तो नहीं, कंगालों की तरह जैसे आंखें से देख करके खा जाएगी। फिरोजा घूमकर खड़ी हो गई और उसने पूछा, क्या बकते हो? जा जा तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चढ़ा, इन कपड़ों का लेना तेरा काम नहीं। सटी हुई दुकानों से जौहरी अभी कुछ बोलता ही चलता कि बल्लाज ने कहा, चुप रहो नहीं तो जीभ खींच लूंगा। ओहो, तुर्की गुलाम का दास, तू भी अभी इतना ही कपड़ा वाले के मुंह से निकला ही था कि नियतगीन ने की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। बाजार में हलचल मची। नियतगीन के साथी इधर उधर बिखरे ही थे, कुछ तो वहीं आ गए। औरों को समाचार मिल गया, झगड़ा बढ़ने लगा। नियतगालिन को कुछ लोगों ने घेर लिया, किंतु तुर्की ने उसे छीन लेना चाहा। राज के सैनिक पहुंचे, फिर नियतगालिन को यह मालूम हो गया कि पड़ाव पर समाचार पहुंच गया है। उसने निर्भीकता से अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग तुर्क हैं। तुर्कों का आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था। क्षण भर के लिए सन्नाटा तो हुआ, परंतु बड़ी के प्रतिरोध के लिए नागरिकों का रोष उबल रहा था। राज के सैनिकों का सहयोग मिलते ही युद्ध आरंभ हो गया। अब और भी तुर्क आ पहुंचे। नियतगीन हंसने लगा। उसने तुर्की से संकेत किया, बनारस का राजपाट तुर्कों की तलवार से पहली बार आलोकित होता है। नियतगालिन के साथी संगठित हो गए। वे केवल युद्ध और आत्मरक्षा की ही नहीं कर रहे थे, बहुमूल्य पदार्थों की लूट भी करने लगे। बल्लाज स्तब्ध था। वह जैसे एक स्वप्न देख रहा था। अकस्मात उसने कानों में एक परिचित स्वर सुनाई पड़ा। उसने घूम कर देखा, जौहरी के गले पर तलवार पड़ा ही चाहती थी। और इरावती, उन्हें छोड़ दो, ना मारो, कहती हुई तलवार के सामने आ गो। बल्लाज ने कहा, ठहरो। नियतगालिन दूसरे ही क्षण नियतगालिन की कलाई बल्लाज की मुट्ठी में। नियतगालिन ने कहा, धोखेबाज काफिर, यह क्या? कई तुर्के पास आ गए थे। फिरोजा का भी मुख तमतमा गया था। बल्लाज ने सबल होने पर भी बड़ी दीनता से कहा, फिरोजा यही इरावती है। फिरोजा हंसने लगी। इरावती को पकड़कर उसने कहा, नियतगालिन वनराज को इसके साथ लेकर मैं चलती हूँ, तुम आना और इस जौहरी से तुम्हारा नुकसान ना हो तो ना मारो। देखो बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं, हम सबों का चलना ही अच्छा है। नियतगारी ने परिस्थितियों से एक क्षण भी समझ लिया। उसने जौहरी से पूछा, तुम्हारे घर में दूसरी ओर से बाहर जाया जा सकता है? हाँ, कपे कंठ में उत्तर दिया। अच्छा चलो, तुम्हारी जान बची, मैं इरावती को ले जाता हूँ। कहकर नियतगारी ने एक तुर्क के कान में कुछ कहा और बल्लाज को आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुसा। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावर्तन कर रहे थे। नगर को राज की सेना पास आ रही। चंद्रभागा के तट पर शिविर की एक श्रेणी, उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठी हुई सायंकाल में गंभीरता की छाया में एक दूसरे के मुंह देख रही थी। फिरोजा ने कहा, बल्लाज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं जाती, एक आकस्मिक उत्तर मिला, और वह भी तो तुम्हारे लिए गजनी के हिंदुस्तान चला गया था, तो क्यों जाने दिया? वहीं रो रखती, तुमको क्या हो गया है? मैं नहीं रही, मैं दासी हूं, कुछ धातु के टुकड़े पर बिकी हुई हाड़ मांस का समूह, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिंड है। ईरा वह मारा जाएगा, पागल हो जाएगा, और मैं हो जाऊं फिरोजा? अच्छा होता तुम भी मर जाते, तीखे फल से फिरोजा ने कहा। इरावती चौंक उठी। उसने कहा, बल्लाज ने वह भी
वह भी ना होने दिया। उस दिन नियतकालीन की तलवार ने यही कर दिया होता। किंतु मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी है। उसने सुख की आशा में वह कितने को दुखी बनाया करता था। अपनी साध पूरी करने में दूसरों की सहायता आवश्यकता ठुकरा दी जाती। तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, मुझे ठहरो इरा, तुमने मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी। इतनी ही तेजी से उसे बाहर देना चाहती बाहर बाहर कर देना चाहती हो। मेरी दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है उसे मैं मित्र नहीं जान सकती फिरोजा। तो मैं देखूंगी कि तुम कि वह मेरे दुख को कितना काम कम कर सकता है। मुझे दुख सहने के लिए तो छोड़ जा। केवल अपने स्वाभिमान और आकांक्षा की तुष्टि के लिए मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, जो मेरी स्थिति में साथी नहीं बन सकता। जो पहले अमीर बनना चाहता है और फिर प्रेम का दान करना चाहता है, वह मुझसे हृदय मान, इससे बढ़कर घृणता और क्या हो। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मैं इतना ही तो कहूंगी कि दुखों ने तो तुम्हारा जीवन ही कोमलता छीन ली है। फिरोजा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारे मेरे प्राण बचाए हैं सही, किंतु हृदय नहीं बचा सकती। उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ती है। तुम चाहे तो मुझ पर कहो। मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आंखों से तो नहीं गिरना चाहिए। अब यहाँ पर जो है फिरोजा जो है इरावती को समझाती है, लेकिन इरावती जो है नहीं समझती। और वो कहती है कि मेरे लिए अब कोई, क्योंकि फिरोजा चाहती है कि वो इरावती से और बर्रा साथ हो जाए, लेकिन इरावती जो है यहाँ पर नहीं मान रही है। ठीक है, फिरोजा ने संदेह से पीछे की ओर देखा। बर्राज विष की आड़ से निकल आया। उसने कहा, फिरोजा, मैं जब गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल कर रहा था। अच्छा जाता हूँ। इरावती सोच रही थी कि अब भी कुछ भूलू। फिरोजा सोच रही थी कि दोनों को मरने से बचाकर क्या सच में मैंने कोई बुरा काम किया है। बर्राज की ओर किसी ने ना देखा, वह चला गया। रावी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियादालीन पंजाब के सेनानी का आवास है। उस महल के चारों ओर वृक्षों की दूर तक फैली हुई हरियाली है, जिसमें शिविर की श्रेणी में तुर्क सैनिक का निवास है। बसंत की चांदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता में महल के मीनारों और गुंबदों तथा वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही, अब जैसे सोना चाहती थी। चंद्रमा पश्चिम में धीरे धीरे झुक रहा था। रवि की ओर से एक संगमरमर की दलान में खाली सेज बिछ रही थी। जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे थे। दलान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी पर प्रहा देखते देखते सोने लगी। उस पर उस महल की जैसी सजावट गुलाबी पत्थर की अचल प्रतिमा। शयन कक्ष की सेवा का भार आज भी उसी पर। वह अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते सो गई। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था। सुल्तान के रोष का समाचार उसे मिल चुका था। वह फिरोजा से छिपाकर अपने अतरंग साथियों से, जिन पर उसे विश्वास था, निस्तंभ रात्रि में मंत्रणा किया करता था। पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की अभिलाषा उसके मन में जग गई। फिरोजा ने उसे मना किया, किंतु एक साधारण तुर्क दासी के विचार राज के कामों में कितने मूल्य के हैं, इसे वह अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि से परखता था। फिरोजा कुछ तो रूठी और कुछ उसकी तबीयत भी अच्छी ना थी। वह बंद कमरे में जाकर सो रही थी। उनके दासियों के रहते हुए भी आज इरावती को ही वहां ठहरने के लिए उसने कह दिया। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दलान के पास आया। उसने देखा कि वह वेदना विनम्रता सुप्त सौंदर्य वह और भी समीप आए। गुम्बद के बगल में चंद्रमा की किरण ठीक इरावती के मुख पर पड़ रही थी। अहमद ने बड़ी विलासिता नेत्रों से देखा उस रूप माधुरी को, जिसने स्वाभाविकता की बनावटी थी। प्रमाद की गर्मी नहीं, एक बार सशक्त दृष्टि से उसने चारों ओर देखा। फिर इरावती खड़ी होकर अपने वस्त्र संभालने लगी। अहमद ने सोचा, भारी डिठाई से कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो इरा, थक गई थी क्या? कहिए क्या लाओ। थोड़ी सीरा जी कहते हुए वह पलंग पर जाकर बैठ गया।
और इरावती का स्फटिक पात्र में सिराजी उड़ेलना देखने लगा। ईरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया, जो अहमद ने तीक्ष्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर पूछा, फिरोजा कहाँ है? सिर में दर्द था, भीतर रो रही थी। अहमद की आंखों में पशुता नाच रहे थे। शरीर में एक सनसनी का अनुभव करते हुए उसने इरावती का हाथ पकड़कर कहा, बैठो ना ईरा, तुम थक गई हो। अब जैसा कि मैं आप लोगों सारांश में भी बताई थी कि वो गंदी नजर डालता है और फिरोजा ही उसको क्या करती है, सहायता करती है उसे। आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूं। फिरोजा फिरोजा के हाथ भीग गया हो क्या ही रहो इरावती, तुम इरावती हाथ छुड़ाकर हटने लगी। ठीक ही, मैंने सामने फिरोजा खड़ी थी, उसकी आंखों में तृप्त ज्वाला थी। उसने कहा, मैं भीगी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाथ क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसलिए मैं जाती हूँ। अहमद तद बुद्धि बुद्धि निष्प्रभ और फिरोजा चली। इरावती ने गिड़गिड़ा कर कहा, बहन मुझे भी ना लेती चलूंगी। फिरोजा ने घूमकर एक बार स्थिर दृष्टि से इरावती की ओर देखा और कहा, तो फिर चलो। दोनों हाथ पकड़कर सीढ़ी से उतर गए। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर प्रहलाद जब से लौट आया, तब से चंद्रभागा तट के जटों में एक नई लहर आ गई। बलराज ने अपने सजातीय लोगों को पराधीनता से मुक्त हो जाने का संदेश सुनाकर उन्हें सुल्तान सरकार का अबाध्य बना दिया। उदंड जाटों को अपने वश में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा कठिन हो रहा था। इधर फिरोजा ने जाते ही अहमद अपनी कोमलता वृत्तियों को भी खो बैठा। एक ओर उसके पास मसूद के शेष के समाचार आते थे, तो दूसरी ओर वह जाटों की हलचल से खजाना की नहीं भेज सकता था। वह झुलझुला रहा था। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार भी नष्ट करने का निश्चय कर लिया था और अपनी दृढ़ सेना के साथ वह अपने जाटों को घेरों में डालते हुए बढ़ने लगा। किंतु उसके हृदय में एक दूसरी बात थी। उसे मालूम हो गया था कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है। उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन छिन कर देने लगे। उसके अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया। अतरंग साथियों की सम्मति कि यदि विद्रोही जाटों को इस समय मिला लिया जाएगा तो गजनी ने पंजाब आज ही अलग हो सकता है। इस चढ़ाई में दोनों ही मतलब थे। घने जंगल का आरंभ था। वृक्षों के हरे अंचल की छाया में थकी हुई दो युवतियों इनकी जड़ों पर सिर घेरे हुए लेटी थी। पथरीले टीलों पर पड़ती हुई घोड़े की टीपों के शब्द से उन्हें चौंका दिया। वे उन्हें उठकर बैठ नहीं पाई कि उनके सामने अब अश्वरोहियों का एक झुंड आ गया। भयानक भालों की नोक सीधी किए हुए स्वस्थ के तरुण तेज से उद्दीप्त जाट युवकों का वह वीर दलदल था। स्त्रियों को देखते ही उनके सरदार ने कहा, मां तुम लोग कहाँ जाओगी? तब अब फिरोजा और इरावती सामने खड़ी हो गई। सरदार ने घोड़े पर से उतरते हुए पूछा, फिरोजा क्या तुम हो बहन? हाँ भाई बरलाज, मैं हूँ और यह इरावती है। पूरी बात जैसे ना सुनते हुए बरलाज ने कहा, फिरोजा अहमद से युद्ध होगा, इस जंगल को पार कर लेना, पर तुर्क सेना जाटों का नाश ना कर देगी, इसलिए यही उन्होंने रोकना होगा। तुम लोग इस समय कहाँ जाओ? जहाँ कहो बरलाज, अहमद की छाया से तो मुझे भी बचना है, फिरोजा ने अधीर होकर कहा। डरो मत फिरोजा, यह हिंदुस्तान है और यह हम हिंदुओं का धर्म युद्ध है, गुलाम बनने का भय नहीं है। बरलाज अभी यह कह ही रहा था कि वह चौंक कर पीछे देखता हुआ बोल रहा, अच्छा वे लोग आ ही गए, समय नहीं है। बरलाज दूसरे ही क्षण ने अपने घोड़ों की पीठ पर था। अहमद की सेना सामने आ गई। बरलाज को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, बरलाज यह तुम ही हो? हाँ अहमद, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, अभी समय है। कहते कैसे सहसा उसकी दृष्टि फिरोजा पर पड़ी और इरावती पर पड़ी। उसने समस्त स्वस्थ व्यवस्था भूल कर तुरंत लड़कारा और पकड़ लो इन औरतों को। उसी समय बरलाज का भला हिल उठा और युद्ध का प्रारंभ हुआ। जाटों की विजय के साथ युद्ध का अंत हुआ। होने नहीं ही वाला था कि एक नया परिवर्तन है। दूसरी ओर से तुर्क सेना जटों की पीठ पर थी। घायल बलराज का भीषण भला अहमद की छाती में पार हुआ। निराशा जटों की रण प्रतिज्ञता अपनी मूर्ति करा रही थी।
मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के हाथ तिलक सामने खड़े थे। सबके अस्त्र तो रुक गए थे परंतु अहमद के प्राण ना रुके। फिरोजा उसके सौ पर झुकी हुई रही और इरावती मूर्खित हो रहे वनराज पर सिर अपनी गोद में लिए थे। तिलक ने विस्मित होकर यह दृश्य देखा। ठीक है, बल्लाज ने जल का संकेत किया और इरावती के हाथ में तिलक ने जल का पात्र दे दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, इरावती अब मैं ना मरूंगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, इरावती? फिरोजा ने रोते हुए कहा, हाँ राजा साहब, इरावती, मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा कर, मैं तुझे भूल गया था, तिलक ने विमित शब्दों में कहा। भाई, इरावती आगे कुछ ना कर सकी। उसका गला भर आया, उसने तिलक के पैर पकड़ लिए। बरलाम जाटों का सरदार था। इरावती रानी चनाब का वह प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो गया और यहाँ पर बलराज जो है और इरावती मिल जाते हैं। और किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वही समाधि बन जाती है क्योंकि अहमद की मृत्यु हो जाती है और वहीं पे उसकी समाधि बन जाती है और वहीं वह झाड़ू देती, फूल चढ़ाती और दीप जलाती और उस समाधि की ही आजीवन दासी बन जाती है। कौन? फिरोजा। ठीक है, क्योंकि वो अहमद से प्रेम करती है और वो युद्ध में मरा जाता है तो वहीं उसकी समाधि बना दी जाती और वो वहीं पर हर समय क्या है, हर रोज झाड़ू देती, फूल चढ़ाती और दीप जलाकर उसकी समाधि की आजीवन दासी। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इस YouTube चैनल पे नए हैं तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि तभी आप लोग को रिविजन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहेंगी क्योंकि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट के रिविजन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस हो रही है इसी यूट्यूब चैनल पे। सो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नोट्स के साथ। ओके, बाय, थैंक।